प्लीज हुई, आज मैं आप सबके साथ ढेर सारी गप्पे करूंगी, क्योंकि आप सब मेरी गप्पे बहुत पसंद करते हो। जानते हो फ्रेंड्स, मेरी मम्मा हर रोज मुझे ग्रास खिलाती है और मैं हर रोज ग्रास खा खा के परेशान हो जाती हूँ। जब भी मम्मा से जिद करके उल्टा पुल्टा कुछ खा लेती हूँ और तभी मेरा पेट खराब हो जाती है और तबीयत भी मेरा खराब हो जाती है। इसलिए मैं आप सबको कहूँगी अपनी मम्मा की बात जरूर मानना और मम्मा जो भी खिलाती है वो खा लेना, क्योंकि मम्मा जो भी बोलते हैं हमारे सेहत के अच्छे के लिए ही बोलते हैं। और जानते हो फ्रेंड्स, मेरी जो और एक फ्रेंड है बनी, वो भी मुझसे जो है थोड़ी थोड़ी फ्रेंडशिप करने लगी है। पहले वो मुझे बहुत मारता था, काटता था जब भी मैं उसके पास जाती थी, लेकिन अभी जब मैं उसके पास जाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी मारने की कोशिश नहीं करता। आप लोग जरूर गॉड से प्रे करना ताकि हम दोनों की फ्रेंडशिप बहुत जल्द हो जाए और हम दोनों एक साथ घूमें फिरें और आप लोगों के साथ भी ढेर सारी मस्ती करें। और जानते हो फ्रेंड्स, बनी मुझसे बड़ा है इसलिए मम्मा उसे ढेर सारा खाने के लिए देता है, ग्रीन फ्रूट्स भी देता है, बनाना, एप्पल और बहुत कुछ। मम्मा अपने हाथों से ट्रीट्स बना के भी खिलाते हैं, बट मुझे उतना कुछ ज्यादा नहीं देते क्योंकि मैं बच्चा हूँ ना। इसलिए मम्मा बोलते हैं जल्दी से बड़ा हो जाओ, फिर मैं तुमको भी ये सब खाना खिलाऊंगी। और गाइस, जानते हो बनी मुझसे क्यों दोस्ती नहीं करती? मैं बॉय हूँ ना इसलिए वो मुझसे बोल दोस्ती करना पसंद नहीं करती है। बनी के साथ साथ अगर कोई और गर्ल कोई रैबिट होती तो मुझसे बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप कर लेती, बट मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं भी बनी से फ्रेंडशिप करके ही मानूंगी। और मैं छोटी हूँ ना इसलिए मुझे खेलना बहुत पसंद है, लेकिन बनी तो मुझसे बिल्कुल भी खेलना पसंद नहीं करता। इसलिए मेरी मम्मा ही मेरे साथ बहुत खेलती है और हम दोनों बहुत मस्ती भी करते हैं। तुम भी अपनी मम्मा के साथ बहुत मस्ती करते हो ना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मम्मा मुझे पढ़ के